सरकार ने अब तमिलनाडु मॉडल पर ही बिहार में भी स्कूली शिक्षा चलाने का फैसला लिया है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष अप्रैल महीने में इसी तरीके की एक टीम जेके पाठक ने 6 राज्यों का अध्ययन करने के लिए भेजी थी, उसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन राज्यों में अधिकारी गए थे। वहाँ व्यवस्था ने देखा और स्वीकार किया। फिर दिसंबर में भी एक स्पेशलिस्ट 44 से अधिक ऑफिसर उनको फिर भेजा गया अंदर तक, मतलब सभी राज्यों के अध्ययन के बाद ये तय हुआ था कि तमिलनाडु पर कुछ ज्यादा फोकस थी। फिर 40 से अधिक अधिकारियों की टीम को तमिलनाडु भेजा गया, वहाँ तमिलनाडु में वो रहे, व्यवस्था को देखा। और इस बार फाइनली जो टीम गई तो वो कुछ कहते हैं कि मुख्यमंत्री को कुछ खास इश्यूज को लेकर, खास करके मध्याह्न भोजन और कहाँ कैसे किस तरीके से ट्रेनिंग, बच्चों को कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, इन सब बच्चों पर कुछ कन्फ्यूजन था। फाइनली उस कन्फ्यूजन को दूर करने की जरूरत है, लेकिन विधिवत सरकार ने मान लिया कि तमिलनाडु के तर्ज पर ही अब बिहार भेजो। लेकिन ये खबर जब मैंने चलाई थी तो कई शिक्षक मित्रों ने इसको लेकर ये नाराजगी नहीं व्यक्त की, वेतन को लेकर जरूर सवाल किया। तमिलनाडु को सफर जो आप देख सकते हैं, तमिलनाडु कहाँ था और कहाँ हमारे और तमिलनाडु को जाना फर्क आबादी के हिसाब से जो तीसरे नंबर पर है वो छठे नंबर। गरीबी, भुखमरी और अशिक्षा की बात करें, जिस 30 साल पहले मोदी वही था जहाँ हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग आगे नहीं बढ़े, लेकिन वो जिस तरीके से आगे बढ़ा है, आज देश के सामने सबसे ज्यादा आईटी प्रोफेशनल, सबसे ज्यादा आईजीएम, सबसे ज्यादा डॉक्टर, सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस अगर किसी एक राज्य से आ रहा है, सभी क्षेत्रों में साइंटिस्ट वो तमिलनाडु, जो कभी बिहार का एकाधिकार होता बैंकिंग सेक्टर में, हम लोगों ने किसके एकाधिकार को रखा है? अब समझे, पहले पूरे यूपीएससी में तमिलनाडु के लोग भरे रहते, आप देखेंगे पहले आईएएस लोग तमिलनाडु के ही लोग, हम लोगों ने तमिलनाडु के ही मोनोपोली को तोड़ा। फिर आईएएस आईपीएस में जब सिविल सर्वेंट में तोड़े, उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर में हम लोगों ने तोड़ा, फिर मेडिकल सेक्टर में हम लोगों ने तोड़ा। मतलब तमिलनाडु को किसी ने चुनौती दी तो वो बिहार पढ़ाई के क्षेत्र, लेकिन आज हम दूर दूर तक आसपास नहीं, जो हमने रिकवर किया आजादी के बाद हम उसके करीब ही नहीं पहुंचे, उसको पीट कर दिए। लेकिन पिछले 20-30 सालों में हम इस तरीके से पिछड़ते चल गए, पिछड़ते चल गए कि आज तमिलनाडु हमारे लिए नहीं, आज हम तमिलनाडु मॉडल की बात करते हैं। देखिए इस तस्वीर को देखिए, वहां भी बच्चे जमीन पर बैठ कर ही पढ़ते और यहाँ से वो उसकी शुरुआत की, और आज ऐसा नहीं है कि फाइव स्टार स्कूल बना हुआ है, वहां भी स्कूल की स्थिति कमोबेश जो बिहार में वही स्थिति है। प्राकृतिक विपदा जो बाढ़ सब का सुखाड़ वहां भी है, कुछ प्रकृति का ऐसा स्वरूप है जिस वजह से कुछ ऐसे ऐसे गांव भी है जहाँ स्कूल इस तरीके से व्यवस्थित तरीके से सड़कें नहीं है, तो उस दौर से तमिलनाडु भी गुजरा है और आज भी गुजर रहा है। लेकिन तमिलनाडु में जो चीजें दिख रही है वो नहीं दिख रही है, ये बात तो है पहली बात। दूसरी और आप लोगों के दिमाग में चलता है तो क्लियर कर, ये जो बात आप करते हैं कभी कभी आरक्षण पर, इस देश में सबसे ज्यादा आरक्षण तमिलनाडु में है, मतलब आरक्षण के कारण शिक्षा व्यवस्था चल रहा है नहीं, सड़क देते हैं आरक्षण के कारण लोग लोग नहीं आ रहे हैं, वहां तो सबसे ज्यादा आरक्षण क्यों नंबर वन पर, तो आरक्षण का चोरी आपका अगर आप अध्ययन हो जाए। तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जिसने गरीब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1982 में मध्याह्न भोजन वहां शुरू किया, और देख लीजिए मध्याह्न भोजन पहले पहले और इसी पैसे में है, ऐसा नहीं है कि वो पैसों उसका बजट अलग है, प्रबंधन है ऐसा है उस आधार पर बच्चों को इस तरीके से प्रबंधन, वो प्रबंधन क्या है उस पर सरकार सोच रही है। और जीविका नीति या राजनीतिक नीति इस तरीके का रुख आना इसमें तैयार है, जीविका नीति और राजनीतिक जो है उसको कैसे हम और कुछ संसाधन मुक्त करें तो खड़ा करें, इसी संसाधन में ना एक पाठक सब पढ़ना किया गया, उसी संसाधन में ना सबको फल पहुंचा दिया था, कहिए कि भाई हम चोर हैं, हमारा नैतिक बल खत्म हो गया है। आज बिहार किसी चीज में पीछे नहीं, पीछे किस बात के लिए, हमारा चार्ज बिल्कुल चिता खत्म हो गया, कोई करेक्टर हम लोगों बात बढ़ाने के लिए कहेगा देखिए का इतना समस्या है कैसे जाए, चार्ज नदी पार करना पड़ता है, साइकिल मेरा पंक्चर हो जाता है, मोटरसाइकिल नहीं पाता। इस तमिलनाडु को जीरो से अर्श से अर्श तक पहुंचाने में वहां किसी गरीब परिवार के शिक्षकों का, अरे हमें तो ये नहीं समझ में आता है
या तो भाई 60-70% पिछड़े दलित वर्ग के लोग नौकरी में है, सवर्ण नौकरी में है ना। और आप वो बच्चा भी आके यहाँ देखिए तमिलनाडु में, देखिए ना तमिलनाडु में किस तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बड़े घर के बच्चे तमिलनाडु में भी स्कूल नहीं जाते। आप तो तर्क देते हैं ना कि जरूरी कर दीजिए आईएएस आईपीएस मंत्री का बेटा भी सरकारी स्कूल में, कोई तमिलनाडु में भी नहीं पढ़ता है। भैया अध्ययन तो हम 4 दिन से कर रहे थे, जो अधिकारी गए उनसे हमारी बात हो, कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ता है शिक्षक का बाल बच्चा जरूर पढ़ता है, आप तो पढ़ाइएगा नहीं, आप करिएगा सरकारी नौकरी, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, फिर तो क्या होगा, उस राज्य का क्या होगा। यहाँ देख लीजिए और देख लीजिए बात, अगर आप वेतन क्या करिएगा, जिस वेतन की बात आप कर रहे हैं, आपकी तो हैसियत यही है कि अगर अच्छे से परीक्षा ले लिया जाए ना बुरा लगेगा, कहते हैं कि दो विशाल नीति लागू की परीक्षा, पहले बेसिक एजुकेशन आपके पास नहीं है, बेसिक योग्यता नहीं है, आप जरा समझिए ना क्यों पिछड़ रहे हैं, क्यों पिछड़ गए पूरे देश में, अज्ञानता। भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान जात पात धर्म मजहब यादव राज मुसलमान कुली कुली कुहार यही सब करते रहते, और नीतीश कुमार में भरोसा ना पड़ता जिस करे हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु की सरकार ने भी यही काम किया कि गांव के ही शिक्षक को, गांव के ही लोगों को शिक्षक बनाया, बच्चों को पढ़ाई, जिन लोगों को भी वहां भी ऐसा थोड़ी है, इंसान सब करता है, मुखिया जी जिसको बनाया वहां, पंचायत जिसको बनाया, जो बन के आया तो फिर कैसे बना भूल गया, बढ़ाया, अरे भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या मेरिट की जरूरत, किस तरीके की मेरिट की जरूरत, पढ़ाया कमिटमेंट के साथ बच्चों को पढ़ाया, इक्का दुक्का ही याद कराया, ये नहीं नौकरी मिल गया तो चल दिए मोटरसाइकिल लेके पान खा के चौक पर राजनीति बन गया। ये जो चरित्र का कहां से निर्माण, नीतीश कुमार तो आपको घर में नौकरी दिया, गांव में नौकरी दिया, खा के निकलते थे सुबह में नाश्ता करके जाइए स्कूल में पढ़ाइए, फिर दोपहर में आइए भोजन करिए, जाइए फिर शाम में आइए खा रहिए पूजा खाइए, परिवार पत्नी बाल बच्चा खेती गृहस्थी सब कुछ, तो आप ही ने दिल तोड़े, कोई दूसरा दिल थोड़ी तोड़े। और जहां आप देख रहे हैं तमिलनाडु का वेतन का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर 2012 में जो शिक्षा का जो जिस तरीके से नीतीश कुमार यूपीएससी किए उसी तरीके से 2012 में पंचायत के माध्यम से जितने लोग बहाल हुए थे उसको अपग्रेड करना शुरू किया, समझिए ये ऐसा नहीं है, वो पहले से रहा उनको बिहार के शिक्षकों को सब वेतन का लाभ मिला, कौन वेतन आज यूपीएससी आपके साथ जो काम कर रहा है क्या उसका वेतन तमिलनाडु वाले शिक्षकों से कम वेतन है क्या, उनको कम पैसे की है क्या, क्या किए क्या उनका योगदान है, जरा आपके भी प्रिंसिपल होंगे वही यूपीएससी वाले जरा देखिए क्या कमिटमेंट लेवल है, बहुत सारे शिक्षक ऐसा भी ऐसा नहीं है कि सब शिक्षक ऐसे ही, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 100% देना चाहते हैं, वहां कई प्रिंसिपल बता कई शिक्षक बता, तो चलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और अब आप तबादला बाकी सुख सुविधा दे जाइए, आप सरकारी कर्मचारी हैं, क्योंकि आपने इस सोसाइटी को सरकार को मजबूर किया कि आपको मजदूर की तरह ट्रीट करें, कर्मचारी जो कर्मचारी मजदूर होता है मजदूर की तरह ट्रीट करें, शिक्षक की तरह, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं, आपको गांव में नौकरी दिया आपको पढ़ाने के बजाय पटौदी दिया, आपको गांव में वेतन दिया वेतन मिला पढ़ाए जाए, गांव में आपको सब संसाधन उपलब्ध कराया, बच्चों को भोजन की व्यवस्था करिए अपने गाँव के लोग, उसका भी आप क्या किए सब काम नहीं, ये सारा खेल अनुभव के साथ यही अनुभव है कि आपके प्रति समाज और सरकार सुन लीजिए कि बहुत कड़वा सच बता रहे हैं, शिक्षा मंत्री क्या बोल रहे मुझे नहीं पता, शिक्षा सचिव और अपर मुख्य सचिव क्या बोला इससे मतलब नहीं है, लेकिन समाज और सरकार आपके मकस नहीं बुला रही, आपके प्रति हमदर्दी या कोई सहानुभूति पूर्वक कोई विचार करने नहीं जा रही, सरकार आपको शिक्षक के रूप में नहीं एक कर्मचारी के रूप में ट्रीट करने जा रहा है, जितने छुट्टी और जितना जो कुछ भी आप सोच कर इस नौकरी में आए हैं तो दिमागी तौर पर ये निकाल लीजिए कि आपने जो चरित्र अपना बनाकर सामने लाया है उस चरित्र का की सजा आपको भुगतना पड़ेगी।